हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मेरे चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। आज हम एक क्विक एनर्जी चेक कर रहे हैं, यानी कि आपके पार्टनर की थॉट्स एंड फीलिंग्स को जानने की कोशिश करेंगे अभी। ओके, तो गाइस, हर रोज़ की तरह मैं आज भी आपके लिए उनके थॉट्स और फीलिंग्स का क्विक चेक लेके आई हूँ। ठीक है, तो ये शॉर्ट रीडिंग होती है, जैसे कि आप सभी जानते हैं, और सभी साइंस के लिए होती है। ठीक है, इसमें कोई स्पेसिफिक साइन आएगा तो मैं बताऊंगी। ठीक है, चलिए जनरल रीडिंग है। ओके गाइस, ध्यान रहे। चलिए देखते हैं उनके थॉट्स अभी क्या हैं आपके लिए और फीलिंग्स कैसी हैं उनकी। ठीक है, चलिए देखते हैं। वी हैव नाइट ऑफ कप्स, द हैंगमैन। हैंगमैन, ओके। और देखते हैं क्या है यूर्स, मेरे व्यूअर जो देख रहे हैं उनके पार्टनर के थॉट्स और फीलिंग्स क्या हैं। नाइन ऑफ सॉट्स, द लवर्स, ओके। फीलिंग्स क्या है उनकी, ओके। दो कार्ड आए हमारे पास, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एंड लास्ट कार्ड क्या है, द हाई प्रिस्टेस। ओके, दो कार्ड आए हैं हमारे पास एक साथ, तो हम दोनों ही ले लेंगे। एक एक्स्ट्रा कार्ड हमारे पास आए, बॉटम में टू ऑफ कप्स। वाओ गाइस, चलिए देखते हैं। ओके, इस टू ऑफ कप्स को भी हम यहाँ रख लेते हैं ताकि हमें पता चले। ओके ठीक है, तो ओवरऑल एनर्जी हम देखें, अभी क्विक एनर्जी चेक है, जैसा कि आप जानते हैं शॉर्ट रीडिंग होती है, तो गाइस मैं इसको यहाँ रख देती हूँ। चलिए ठीक है। तो गाइस ये शॉर्ट रीडिंग है, आप जैसा कि जानते हैं, और इस शॉर्ट रीडिंग में हम जो स्पेशल साइंस है उन्हीं के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे देखिए, पाइसेस स्पेशल है, जेमिनी कोई है, ठीक है, पाइसेस अगेन स्पेशल है यहाँ पे, और सारी साइंस है। ठीक है, सारी साइंस के लिए रीडिंग हो रही है, और ये जनरल रीडिंग होती है, इसमें सारे साइंस आते हैं। ठीक है, तो अभी फिलहाल उनके थॉट्स और फीलिंग्स क्या हैं। डेफिनेटली उनकी ओवरऑल एनर्जी, यानी कि बॉटम में हमारे पास टू ऑफ कप्स की एनर्जी है। डेफिनेटली आपके पार्टनर बहुत अलोन फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अकेले हैं, आपके बिना उनको बहुत कुछ अकेला महसूस हो रहा है, उदास हैं। कुछ ना कुछ उन्होंने फोकस उनका करियर पे है, और कुछ ना कुछ अपने आप को अकेला करा हुआ है, यानी कि 10 लोगों के बीच में बैठ के भी आपके पार्टनर बिल्कुल अकेला फील कर रहे हैं, क्योंकि वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं। मुझे यहाँ पे लगता है उनके थॉट्स और फीलिंग्स क्या हैं, वो आपको सोच रहे हैं कि आपको एक ऑफर दिया जाए, प्यार का ऑफर, जिसको आप एक्सेप्ट करें, लेकिन हैंगमैन की पोजीशन में हैं, यानी कि बहुत कुछ सोच रहे हैं, डीप डाउन सोचना चाहते हैं कि क्या ये ऑफर जायज़ होगा, क्या ऑफर लेके जाएं तो आपका क्या रिएक्शन होगा, उस पर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। इनके थॉट्स में है कि पास्ट में जो गलतियाँ की हैं उनका रिग्रेट है, पास्ट में जो ओवर थिंकिंग, मतलब बात इतनी बड़ी नहीं है आप दोनों के बीच, मुझे लगता है सब कुछ नॉर्मल सा है, कुछ थोड़ी बहुत जो बहुत ही माइनर चीज़ रह गई है उसके बारे में वो सोचते नजर आ रहे हैं, लेकिन ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, मुझे यहाँ पे लग रहा है इतना है नहीं, इससे ज़्यादा ओवर थिंकिंग मुझे यहाँ उनकी लग रही है। और डेफिनेटली आप प्यार बहुत करते हैं, आपसे डेफिनेटली टू ऑफ कप्स एंड लवर्स की एनर्जी आई है हमारे पास। ओवरऑल वो बहुत बहुत आपसे प्यार फील करते हैं, और कहीं ना कहीं इक्वल गिव एंड टेक आप दोनों का है यहाँ पे, मैं देख पा रही हूँ, या स्टार्टिंग में था, ऐसा भी हो सकता है। अभी यहाँ पे बहुत कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन थोड़ी बहुत माइनर सी कोई प्रॉब्लम आपके बीच में है, जिसको लेके वो आपको ऑफर देने से डर है, मुझे यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, वो आपको चूज करना चाहते हैं, डेफिनेटली कोई चॉइस है तो आपको चूज करना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इस कनेक्शन में कुछ स्पेशलिटी है, कुछ भगवान का दिया हुआ ऐसा कुछ, उनके भाग्य में आपका होना या कुछ ऐसा कनेक्शन है जिससे वो दूर नहीं जा सकते, उनको ये लगता है। डेफिनेटली वो आपको एक हाई प्रिस्टेस के हिसाब से मानते हैं, कि बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव पर्सन है, आप कोई ऐसा काम भी करते हैं जो कि लोगों को हील करता है। ठीक है, कोई टैरो कार्ड रीडर हो सकते हैं, कोई ऐसा नर्स हो सकता है, डॉक्टर हो सकते हैं, आप ऐसा कोई काम करते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंट्यूशंस को फॉलो करके करते हैं, यानी कि आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग है, वो जानते हैं कि आप बहुत नॉलेजेबल हैं, और डिसीजन पावर आप में बहुत अच्छी है, और कहीं ना कहीं आप चीज़ों को कैसे हैंडल करना वो जानते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। तो उनके थॉट्स में ये है कि अगर ये आपको ऑफर देने चाहेंगे, तो उनकी जो अंदरूनी बात है वो आप जान लेंगे, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव पर्सन है, वो चाहते हैं कि आपसे बिल्कुल सच्चाई बताएं, ये ऑफर जो आपके पास लाने वाले हैं उसको आप फेक ना समझें, ऐसा वो चाहते हैं। ठीक है,
आप अगर आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होगी तो जरूर आप उनकी बात समझेंगे, ठीक है। पास्ट की गलतियों को भुलाते हैं क्योंकि पास्ट में मुझे इन एंड आउट एनर्जी इनकी यहाँ पे लग रही है। देखिए नाइट की एनर्जी है, किंग की एनर्जी नहीं, इसलिए मैं यहाँ पे कहूंगी कि ये कुछ ना कुछ घबराते हैं आपके पास आने से, और आप बहुत ज्यादा इनसे हाई हैं या फिर बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट और दिमाग के अच्छे हैं, इसलिए भी आप थोड़े से ये हिचकिचाते हैं आपके पास आने के लिए, ठीक है। अदरवाइज ये आना चाहते हैं, एक कप ऑफर ऑन करना चाहते हैं आपको, ठीक है। और प्यार भी बहुत है लेकिन बहुत ज्यादा डीप डाउन सोच विचार के आप ही की तरह इंट्यूशन को फॉलो करके आना चाहते हैं आपके पास, ठीक है। अगेन मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी वो गिव अप कभी नहीं करेंगे। इवन उन्होंने यहाँ पे देखिए कोई डिवोर्स ही हो सकता है, बहुत प्रैक्टिकली चीज़ों को सोचा है, यानी कि आपके पास अप्रोच करेंगी तो वो प्रैक्टिकली सोच पे करेंगे, ठीक है। फीलिंग्स को एक साइड रखेंगी क्योंकि उनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, और आपके पास आने के लिए किंग ऑफ सॉर्ड्स यानी कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल उनको बनना पड़ेगा। यहाँ भावनाएं नहीं बल्कि बिल्कुल चालाकियां नहीं, गेम गेम नहीं चलेगा कोई भी। ऐसा उनका ऐसी उनकी थिंकिंग है, थॉट्स हैं आपके लिए कि अगर आपके सामने कोई गेम प्ले करेंगे तो वो नहीं चलेगा, कोई मैनिफेस्टेशन या कोई मैजिक चलाएंगे तो वो नहीं चलेगा, क्योंकि आप उनको पकड़ लेते हैं, आप उनकी सच्चाई और झूठ को पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा उन्हें लगता है कि आपके सामने बिल्कुल प्रैक्टिकली बातों को रखना पड़ेगा, मतलब टू द पॉइंट बात करनी पड़ेगी, यहाँ पे ये लग रहा है, ठीक है। किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, इसलिए कुछ कुछ डिवोर्सी पर्सन भी आपके सकते हैं, ठीक है। मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, ओके। यहाँ एनर्जीज को चेक कर रही हूँ मैं, ठीक है। मेल फीमेल सभी के लिए रीडिंग, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं और एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। स्टेबिलिटी तो होगी गाइस, लेकिन उसके साथ स्टेबिलिटी के साथ एक न्यू बिगिनिंग, पैशनेट स्टार्ट आपके साथ वो करना चाहते हैं डेफिनेटली। यहाँ पे जो कार्ड्स हैं उनकी थॉट्स और फीलिंग्स यही हैं कि आपके पास आना चाहते हैं, आपको बहुत हाई इंटेलिजेंट मानते हैं, और कहीं ना कहीं आप ही की तरह प्रैक्टिकली चीज़ों को सोच के आपके पास कुछ सोच समझ के आना चाहते हैं, ताकि उनका ऑफर रिजेक्ट नहीं हो, ठीक है। यहाँ पे एक नई शुरुआत उनको करनी है पता है, और इस शुरुआत में आपके लॉन्ग टर्म तक जाने का उन्होंने सोचा है, यानी कि स्टेबिलिटी आने वाली है आपके कनेक्शन में, ऐसी उनकी थॉट्स और फीलिंग अभी की है, ठीक है। ओवरऑल हम देखें तो ये जीवन में अकेले हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जो प्यार आपने दिया है इनको या फिर आपसे जो मिलने वाला है वो बहुत इनकी अल्टीमेट हैप्पीनेस है, बहुत स्पेशल लव है आपका, और कहीं ना कहीं डिवाइन कनेक्शन मालूम होता है इनको। या अगेन मैं यहाँ पे ये कहूंगी ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी में आप हो सकते हैं, लेकिन सभी के लिए नहीं होगा, तो ठीक है गाइस। ये क्विक एनर्जी आपको कैसी लगी, आपसे अगर आपसे अगर रेजोनेट होती है तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय गाइस, गुड नाइट।